check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that topic. Okay, hi guys, welcome to my show. इसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, आज का podcast बहुत ही amazing है, क्योंकि मैं एक news लेके आया हूँ. पहले तो मैं आपको बता दूँ, आई थिंक मैंने एक बात सबसे शेयर नहीं करी थी और मुझे लगता है मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे सुनते आ रहे हैं और मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है ना, मज़ा आ जाता है आपको, यू नो, कुछ सुना कर. और जब मैं देखता हूँ इतना प्यार देते हो आप, आई लव यू. तो गाइज, वेल, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, बैड बॉय डांस ऑन बीट. यस, आई एम अ व्हीलचेयर बॉय एंड आई कैन डांस ऑन बीट. यस, मैं अपने पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि मेरा एक चैनल है, दिस इज ऑन इंस्टाग्राम, आप सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं और मेरे प्यारे प्यारे डांस रील देख सकते हैं. यस, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं डांस करता हूँ और मैं भांगड़ा परफॉर्म करता हूँ, भांगड़ा ऑन व्हीलचेयर. यस, दैट्स हाउ आई कॉल माई सेल्फ एंड लोग मुझे अब ऐसे ही बुलाने लग गए हैं. वेल, अब आप कहोगे कि इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, हमें बताया क्यों नहीं. अरे यार, बताता हूँ, इसकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे लगा था कि कुछ ऐसा अलग करना है जिससे मैं, यू नो, कुछ अलग देखूँ सारी दुनिया से हटके, मुझ में क्या अलग है. तो मैंने क्या करा, एक अलग से द बॉय एंड बैड बॉय तो मैं हूँ ही हूँ, अब मैं सोचा मैं और क्या कर सकता है, ये बैड बॉय और क्या कर सकता है. तो ये बैड बॉय डांस कर सकता है. तो मैंने क्या करा, एक अलग से इंस्टाग्राम पेज बना दिया फेब में. धीरे धीरे करके मैं डांस डालता गया. भाई साहब, डालता तो गया, सडनली लोगों ने नोटिस कर दिया. पहले नोटिस किया मुझे बादशाह ने मुझे नोटिस किया. एंड बादशाह ने अपना वो जो एक सॉन्ग आया था ना, मेरा पियर न चांदा, वही वाला, हाँ वही वाला सॉन्ग, जो सनक एक सॉन्ग था, वो मैंने उसमें रील बना दी थी. ओ भाई साहब, मैंने टैग कर दिया ऐसी बादशाह को, मुझे लगा कहाँ ही देखेगा. अरे उसने देख लिया और उसने शेयर भी कर दिया अपने स्टोरी पे. बस फिर क्या था, वहाँ से मुझे लोग पहचानना शुरू हो गए, मेरी रील शेयर करना शुरू कर दिया. धीरे धीरे करके मैं डालता गया, क्योंकि मोटिवेशन तो भरपूर लोग दे रहे थे, मुझे लगा कंटिन्यू रखना चाहिए. बस फिर क्या, और क्या था, फिर मैंने डालना शुरू करा, डालता गया. फिर एक दिन मुझे हिंदुस्तान टाइम्स ने देख लिया. हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर ने मेरी यू नो डांस रील देख ली एंड दे मैसेज मी कि आप क्या प्रिंट मीडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में अपना आर्टिकल देखना चाहोगे. आई वाज लाइक यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ फिर. तो वहाँ से फिर मेरा इंटरव्यू लिया और देखते देखते मेरा इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम में आ गया, पेज नंबर 5 पे आ गया था. यस, तो यार मैं सबसे यही कहता हूँ कि सपने देखना मत छोड़ो, सपने कंटिन्यू रखो, बिकॉज सपनों से आपको मोटिवेशन मिलती है. मुझे तो बहुत मिली भाई, बहुत मिली, और ऐसा लगा कि यार वाओ, मैंने कुछ अचीव करा. जब मैंने वो, यू नो, वो प्रिंट अपने पास अपने हाथों से पकड़ा और अपने, यू नो, नियर एंड डियर वंस को दिखाया, अपने, यू नो, लाइक घर वालों को दिखाया, अपनी मम्मी को दिखाया, एंड दे गॉट सो हैप्पी कि वाओ, तू न्यूज़पेपर में भी आ सकता है. आई एम लाइक यस, मैं आ सकता हूँ. तो बस क्या था, तो वहाँ से फिर अब मेरी जर्नी शुरू है. अब मैं डांसर भी हूँ, आई एम अ डांसर ऑन व्हीलचेयर. यस, एक और अचीवमेंट. एंड लोगों को वहाँ पे मैं अच्छा मोटिवेट करता हूँ अपने डांस से, चाहे मैं जैसा भी करता हूँ, मैं करता हूँ. अब लोग मुझे उसके लिए जज करें या कुछ भी करें, मैं खुश रहता हूँ और मैं वहाँ पे एटलीस्ट लोगों को ये होप देता हूँ कि नेवर लूज एनी होप. यस, तो यस, ये था मेरा, मुझे लगा कि डिसेबिलिटी टेल्स में कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए जो आपको भी पंप अप कर दे. हाँ जी, तो आप कुछ नया करना चाह रहे, तो बस सोचना क्या है भाई, पहले कर्म तो कीजिए, फल की इच्छा बाद में रखिए. तो पहले आप कर्म कीजिए, अगर आपने कुछ भी लाइफ में करना है, अगर आपने कुछ भी आगे कोई काम नया शुरू करना है, भाई गणपति बप्पा मोरिया,
गणपति चल रहा है तो वाई नॉट, वाई डोंट यू डू, आज से शुरू कर दो यार, सोच क्या रहे हो, बस शुरू कर दो। हार जीत लगी रहती है एंड क्या पता आपको भी कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा यू नो अवसर मिल जाए जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर पाए, जहाँ पे आप अपने आप को वो पॉजिटिव वे में यू नो लोगों को दिखा पाए कुछ अच्छा है ना। बुरा तो देखो सब सोचते हैं, बट आप तो सोच सकते हैं ना, आप तो इंसान हो ना। तो फिर बस फिर शुरू हो जाएगी। आज का मेरा मोटिवेशन इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अचीवमेंट के साथ। क्या पता कुछ ना कुछ मस्त सा मेरे पास आ जाए अचीवमेंट, यू नेवर नो। टेक केयर एंड बाय बाय। और जाते जाते मैं यही बोलता हूँ, ध्यान रखना, दुआ में याद रखना, बाय एंड टेक केयर।